नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केदारनाथ ब्रिज से बेवा ब्रिज तक की ज्यादातर सड़कें जर्जर हालत में हैं। इस जर्जर सड़क पर सफर करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार जर्जर सड़क की मरम्मत फरक्का बराज ने कई साल पहले की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई मरम्मत नहीं की गई है। नतीजा फरक्का बेवा ब्रिज से केदारनाथ ब्रिज तक की जर्जर सड़क जर्जर होती जा रही है। कभी कभी जमीन में एक बड़ा छेद हो जाता है और कार मालिक कार को ठीक से चलने के लिए छेद की मरम्मत करते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से 6 किलोमीटर सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की है। फरक्का पंचायत समिति के अध्यक्ष अबुल कलाम ने कहा, हमारे विधायक और रसीद विधायक इस 6 किलोमीटर की जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए कई बार कोशिश कर रहे हैं। पहले हमारे विधायक मनीरुल इस्लाम ने किसी तरह बड़े बड़े गड्ढों और खराब जगहों की मरम्मत की थी, इसलिए अब हम थोड़ा बहुत घूमने जा रहे हैं। भले ही इस जर्जर सड़क के बारे में अधिकारियों को बता दिया गया हो, लेकिन स्थानीय निवासी व वाहन चालक इंतजार कर रहे हैं कि जर्जर सड़क की मरम्मत कब होगी। केदारनाथ ब्रिज थे के बेहुआ ब्रिज पर्यंत प्रचंड बेहाल रास्ता। हमारे प्रातन MLA मईनुल हक अनेक चेष्टा कर चेष्टा करार पर से उन्नी कि व्यवस्था करतन MLA मनिरुल इस्लाम अनेक बड़ो बड़ो गर्त छिलो गर्तटा अनेकटा भालो करेछे आबार ओई अवस्थाय परिणत होयेछे। अनेक चलते पारछे आमादेर नतून MLA अनेक गर्त भरार कारणेई एटा चलाचल करते पारछे। आगे चलते पारतो ना, एखन चलते पारछे। ताहले एटा आरो भालो करार जन्य आमादेर ব্যারেজ যদি হাত বাড়াই বড় শুরু হয়, অবশ্যই বড় শুরু হবে। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ কোনো কথাই বলতে চাইছে না এবং ঝাড়খণ্ড থেকে এটা প্রধান আমাদের রাস্তায় যাওয়ার জন্য। রাস্তাটা খুব খারাপ পরিস্থিতি, যে কোনো সময় এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, যানজট চলাচল ব্যাহত ঘটছে। বেঙ্গল এবং ঝাড়খণ্ডের খুব গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ স্থান চৌমাথা মোড়। প্রতিদিন 2500-3000 লরি এবং ছোট গাড়ি দিয়ে, হ্যাঁ, 2500-3000 চলাচল করে ছোট বড় সব মিলিয়ে। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ঝাড়খণ্ডটা বেঙ্গল ঝাড়খণ্ডের শেষ সীমানা বর্ডার বেওয়া ব্রিজ থেকে নিয়ে একবার কেদারনাথ ব্রিজ পর্যন্ত আনুমানিক 8 কিলোমিটার। খুবই বাজে, মানে 70-80% রাস্তাটা খুবই বাজে, অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, গাড়ি পাল্টি খাচ্ছে। রাস্তায় অনেক দিন থেকে খারাপ আছে, এটা রাস্তা কাউ ভালো করে না। রাস্তা মোটামুটি 15-20 বছর হয়ে গেছে খারাপ হওয়া। ওখান থেকে একবার ফারাক্কা অবধি, হ্যাঁ, ব্রিজ, হ্যাঁ, ব্রিজ থেকে, হ্যাঁ, ওই 8 কিলোমিটার পুরো উড়ে গেছে। এলা 10 মাস গাড়ি দিয়ে ভরে চলছে, হ্যাঁ, গর্ত গাড়ি বড় বড় হ্যাঙ্গার ভেঙেছে, কুল্লা ভেঙেছে, মেলে সমস্যা।